देखो वैक्सीन के लिए एक रेस शुरू हो चुकी है, अब इस रेस से ही पता चलेगा कि किसको वैक्सीन कितना पहले और किसको वैक्सीन कितने बाद मिलेगा, कौन कौन से राज्य सरकार और कौन कौन से निजी संस्थाएं कितना वैक्सीन खरीद के कितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो 1 मई के बाद ही पता चलेगा। पिछले साल मई 2020 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने यह घोषित किया कि वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूरे लगातार सहयोग प्रदान करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR दो सरकारी संस्थाएं हैं और इन दोनों के लगातार सहयोग में बना है भारत का अपना कोवैक्सीन। और जैसा कि मोदी राज में अमूमन होता है, वैसे ही भारत बायोटेक और ICMR के रिश्ते को लेकर सरकार द्वारा और कोई पारदर्शिता नहीं दी गई है। फिर भी हाल ही में ये सामने आया है कि सरकार द्वारा 4,500 करोड़ का इन दो कंपनियों को अनुदान किया जाएगा, एडवांस पेमेंट किया जाएगा, जिसके लिए कोई बैंक गारंटी नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO के द्वारा हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोला है कि 150 रुपये पर डोज वैक्सीन बेचने से उनको नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहा है, उसके ऊपर बेचने से ही उनको सुपर प्रॉफिट होगा और जब तक सुपर प्रॉफिट नहीं होगा वो वैक्सीन प्रोडक्शन का काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। कोविशील्ड की कहानी और भी दिलचस्प है। कोविशील्ड को बनाया तो गया है, मैन्युफैक्चर तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है, पर इसको डेवलप कराने के लिए ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कनाडा के द्वारा इसको डेवलप कराया गया। एस्ट्राजेनेका कंपनी में 97% पब्लिक फंडिंग पैसा है वैक्सीन डेवलप कराने में और इसको ओपन लाइसेंस में बनाया गया है ताकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करा सके, पर अभी इसको बेचा जा रहा है प्राइवेट लाइसेंस पर। यानी सीरम इंस्टीट्यूट के हर एक वैक्सीन के डोज पर एस्ट्राजेनेका कंपनी को मुनाफा मिलेगा। कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका के अमीर MNC द्वारा आज कोरोना वैक्सीन के सप्लाई को नियंत्रित किया जा रहा है। इन कंपनियों का अभी वैक्सीन के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR है, जो ये इन्हें हक देता है कि वो इंसानी ज़रूरतों के बजाय बॉटम लाइन और इन्वेस्टर्स के हितों का ध्यान रखें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स अग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी देश इस हक पर चोट नहीं कर सकता। आज दुनिया के 20% आबादी को वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी तो हमारे पास है, पर इसमें विकसित देश जैसे हमारे देश के पास 1/5 हिस्सा ही आया है, क्योंकि उल्टे तरफ अमीर देशों ने इस पर कब्जा कर लिया है। G8 के साम्राज्यवादी देशों के पास 80% इस वैक्सीन का टोटल हिस्सा आ चुका है, जिसमें कनाडा के पास 9 गुना ज़्यादा वैक्सीन अभी भी उपलब्ध है और UK के पास 5 गुना और अमेरिका के पास 3.5 करोड़ डोजेज एक्स्ट्रा है। पिछले साल जनवरी में साउथ अफ्रीका के साथ भारत जैसे विकसित देशों ने WTO में इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कानून को कोरोना वायरस के महामारी के खास संदर्भ में इस वैक्सीन के लिए रद्द करने के लिए मांग उठाई, पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WTO में इंग्लैंड, अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देशों का बोलबाला है, वो हमेशा से ही इस मांग को वेटो करते आए हैं।